Welcome back to our channel. I'm Shweta. And I'm Shreya. So guys, we are back with another video today. और आज हम लोग reaction देने वाले हैं King and Karma के new song पे, जिसका title है Goat Shit. Yeah. और ये song काफी hit हो रहा है. और King and Karma दो बहुत बड़े नाम हैं hip hop की दुनिया में, जैसे कि हमें पता ही है. तो हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट सुन लेते हैं सॉन्ग एंड आफ्टर दैट वी विल गिव आवर रिएक्शन. तो स्टार्ट करते हैं. चले मेरा कारोबार चले, काफी ज्यादा भीड़ लगी, बंदे सारे बाहर खड़े, सबको बुखार चढ़े, मार्केट के कान खड़े, मोनोपोली मूव्स और फीचर में स्टार बड़े, चेहरे पर स्कार पड़े, फोन पर तैयार खड़े, मेरे लिए अंदर है वो तभी राजा बाहर खड़े, कोई ना लगाम लगे, रुकने पर जाम लगे, व्हाइट कॉलर सबके पर दो नंबर काम लगे. या ये लाइनें अब नहीं फ्री की, ये जानना चाहते कहां से सीखी, तरकीबें नहीं पा रहे पकड़ मेरा, ब्लूप्रिंट मैंने बनाया 3D, दे कांट अफोर्ड, दे वोंट बिलीव मी, आई एम अ जीनियस, यार आई एम सो फ्रीकी, शी कॉल मी सीधा दुबई से, करी इंतजार हो रहा जो हबीबी, वो कॉल पे करी थी ही, वो वैसे थी बंदी किसी की, वो देखती ख्वाबों में अपने, मैं उसका ट्रैक, वो मेरी की मिला जो ब्रेक बना दी मूवी, कर्मा बीच बीट की चूची, हल्की से जो पकड़ी बेस लाइन में बना आइंस्टाइन, तेरी मर गई भूखी, रैप करेगा सतीम से, मैं तो करता हूँ म्यूजिक, मैं लिखता हूँ ट्रू शिट, मैं बनता नहीं वहाँ जहाँ यू सिट, लाइफस्टाइल एक्सक्लूसिव, बनी जो मिसाइल ले लो, चेहरे पे स्माइल ले लो, हल्की सी जाई लगे हिटर ऑफ फिनाइल ले लो, भाई आजा रोल कर रहा हूँ मैं, तू बूम कर ले. रैपर काम चले बांग चले भाई रहते पढ़ते हैं माइक पे दहाड़ते हैं जानते हैं नाम चले किंग कर्मा सुना टू काफी गैंगस्टर बैटमैन काली गाड़ी घूमे जैसे पैंथर है नाम जैसे बादशाह है बैड बॉय कहने लगे शहरों में फैनों की फैमिली के जाम लगे कम यहाँ जाम लगे ज्यादा लगे माल जब ब्राउन बॉयज तो उसे कैडबरी ब्रांड लगे फिर बोली खाते चीज केक जूस केक मैं बोला क्या जूस केक चीज केक वो बोली देन जीज बेब प्लीज वेट माय आइसक्रीम पार्लर दीस डेज अब तू स्किल्स टेक मूव टेक मुक के मुंह पे टूथ पे ये बंदे फेक हैं टू फेस मास्क के मुंह पे प्रूफ पे किंग वाली मेरी वाली फ्रांस थी बालकनी पे करे वो गैग वो ना सांस लेती भाइयों के साथ रिवर्स के 50 PT पैसा लगा हाथ पर हाथ की ना खाज मिटी किया प्यार सजा लाजमी थी गानों के जरिए आप भी थी ले बताई ने आगे की ब्रो आइए ना देख सेवन देख सेशन सेवन गोट गोट शिट रफ रफ अभी तो सोच ये बंदे हो गए शिक्षक शौक मेरे पास करे टिक टैक टो होड़ा मेरा ऑटोमेटिक गड़ा हिट दैट टॉप मोनोपोली मूव्स मोनोपोली फ्लो सोच एक दिन सोचू फक दिस ब्रेक दो महीने में डाल दूं मैं 6-7 ड्रॉप और गलती से कर दूं ये हाइप तेरी चॉप पैड को सी पिच सी टीम फक ऑफ फक स्वीट मेरा घर जैसे मॉल दरा दोनों वाली सर्दी में सेक्स का माहौल लौंडे खाली बिली घर बैठे चौधरे में कॉल पोकेमोन जैसी बंदिया क्यों घूमरी का सॉल पोकेमोन जैसी बंदिया क्यों घूमरी का सॉल पोकेमोन जैसी ये तेरी स्ट्रिंग इन मैं बॉल्स टिका चू केला चू रखूं गेम कंट्रोल में ऐश में मिला दूं केलो पेस्ट कंट्रोल लाइक दिल्ली वाली मेरी खारी पीटा बॉम्बे वाली करे टॉर्क कती होगा सीखा फ्लेक्स इतना के बंदी में से बल हटा दो बंदी बिना एपक करेगी चकती ता सम ट्रिक्स सम चीखा सम स्वीटहार्ट सोच भी नहीं सकता तू थिंक्स दैट शी डस क्लब जाए कब जाए फ्लो दो ड्रिंक्स बात ट्रैक सूट करे खींचे लाइंस एडिडास गांड पैक करी कोई बोला नहीं मैं तो अभी कुछ बोला ही नहीं मैंने लिखी बस दो लाइन नहीं अभी बसता तो खोला ही नहीं कैसा रैप चपर रोला ही नहीं ना बातें करो गोल आएगी मेरे बैट पे ही बॉल आएगी पूरा स्टेडियम पैक कोई दो राय नहीं देखूंगा नहीं घुटने जब मौत आएगी समझ नहीं आता बट इस सॉन्ग में बहुत शार्प फ्लोज थे और कहां पे दोनों बहुत फास्ट गा रहे थे दोनों ही कर्मा भी और किंग भी और दोनों ने एक दूसरे के साथ इतना अच्छे से मतलब उन दोनों ने एक दूसरे को क्या बोलते हैं उसको
मतलब कॉम्प्लीमेंट किया है दोनों ने एक दूसरे को, इतना सही लग रहा है देखने में उनका, बहुत अच्छा है यार ये सॉन्ग, गोट शिट, सीरियसली गोट शिट। मतलब हिप हॉप बहुत टाइम के बाद आई थिंक किंग एक फुल फ्लेज हिप हॉप निकाला किंग ने, मतलब बीच में किंग का तो मैं जितना भी सुन रही थी रोमांटिक सॉन्ग्स एंड ऑल यही आ रहे थे, पॉप सॉन्ग भी आ रहे थे किंग के, लेकिन हिप हॉप फुल फ्लेज हिप हॉप आई डोंट थिंक सो उनका आया था, काफी टाइम के बाद उनका फुल फ्लेज हिप हॉप आया और कमाल मचा दिया। बट आई सॉन्ग के व्यूज काफी डाउन चल रहा है, पता नहीं क्यों, व्यूज और ज्यादा आप जाना चाहिए क्योंकि ये सॉन्ग बहुत अच्छा है और ये और ज्यादा अप्रिशिएशन डिजर्व करता है, सो प्लीज देखो गाइस। मे बी अभी इसमें मतलब वो रीच इसको नहीं मिला है, कुछ दिनों बाद रीच मिल जाए, एज काफी सारे सॉन्ग्स ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग में रीच उनमें उतना नहीं आ पाता है, बट आफ्टर सम टाइम वो बहुत ज्यादा रीच लेता है वो सॉन्ग, एंड बिल्कुल हाई रीच पे जाता है। सो मे बी इस सॉन्ग के साथ भी ऐसा ही होने वाला है, एज अभी इसमें काफी डाउन रीच चल रही है, एज अभी इलेक्शन वगैरह भी खत्म हुआ है, सो ये एक बड़ा फैक्टर है, या सो अभी ये एक बड़ा फैक्टर है क्योंकि इस टाइम पे सबके ही व्यूज एंड रीच थोड़ा हर चैनल पे हर सॉन्ग पे कुछ भी न्यू आ रहा था तो वो डाउन ही चल रहा था, एज अभी सबके ये में बस इलेक्शन चल रहा था, एंड जैसे कि अभी T20 वर्ल्ड कप भी स्टार्ट हो चुका है, सो उस साइड में भी लोगों का थोड़ा ध्यान है, सो या दैट्स व्हाई अभी के अभी रीच एंड ऑल और ज्यादा थोड़ा डाउन चल रहा है। सो मे बी अब तो जैसे इलेक्शन वगैरह खत्म हो चुके हैं एंड T20 तो अभी चल ही रहा है, खैर अभी तो मैचेस आएंगे, बट मे बी अब चैनल्स पे रीच बढ़ना स्टार्ट होगा एंड धीरे धीरे इस सॉन्ग को भी वो रीच मिल जाएगा जो ये सॉन्ग डिजर्व करता है। एज ऑन अ सीरियस नोट ये सॉन्ग काफी ज्यादा रीच डिजर्व करता है क्योंकि जिस तरीके से इसमें किंग ने गाया है, जिस तरीके से इसमें कर्मा ने गाया है, जिस तरीके का इसमें व्यूज है, इवन काफी सारे उनके क्या बैकग्राउंड सीन्स भी डाले गए हैं काफी सारे, सो या वो एक कॉमिक टाइमिंग भी बना रहा था, एंड या सॉन्ग काफी अच्छा था, स्लो अच्छे थे एंड दो काफी बड़े सिंगर्स जब साथ में कोलैब करते हैं सो डेफिनेटली सॉन्ग अच्छा निकल कर आता है, एंड मे बी दैट्स व्हाई अभी इतना रीच नहीं आ पा रहा था। अब जितना ये टाइम होता जाएगा उतना ज्यादा मे बी अब रीच लेता जाएगा, सो या लेट्स सी। यस वी होप सो, यस आई होप सो गाइज, दिस वॉज आवर रिएक्शन, वी होप आपको अच्छा लगा होगा, अगर आपको हमारा रिएक्शन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हम जब भी कोई न्यू वीडियो डाले तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके, एंड गाइज डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टा हैंडल्स दिए हुए हैं, अगर आप हमें वहाँ भी फॉलो करना चाहते हो तो आप हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हो। अब हम लोग आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।